तो चलिए अब नोट्स खत्म हो गए, अब हम हमारा वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 5.1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। नीचे दी गई कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए आप डेटा के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, मैं डेटा बाद में रीड करूंगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम जो है वो कौन से डेटा के लिए, डेटा किस टाइप का हो तब हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे वही लिखा है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, क्वेश्चन आप लिख लेना। वी रिप्रेजेंट दोज डेटा बाय अ हिस्टोग्राम विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल्स। हम सिर्फ हिस्टोग्राम ऐसे डेटा का ही ड्रॉ कर सकते हैं जो ग्रुप इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्लास इंटरवल में, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा हो। फॉर एग्जाम्पल क्लास इंटरवल कैसे होते हैं, मैंने प्रीवियसली आपको बताया था 25 to 30, 30 मतलब 25-30 होना कंपलसरी नहीं, कोई भी नंबर्स के इंटरवल्स हो सकते हैं, वो 10 के हो सकते हैं, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के, 1000 के, बट ऐसे इंटरवल्स बनने चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अब देखिए, अब फर्स्ट वन क्या है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में जो अलग अलग एरिया के लेटर्स हैं उनके नंबर, तो उसको आप ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स हैं बट सामने एरिया वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एरिया के आप ग्रुप इंटरवल्स नहीं बना सकते, ग्रुप इंटरवल्स नंबर्स के ही बनते हैं, सो आप उसे बार ग्राफ में हिस्टोग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सेकंड वन, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट उसमें आप बना सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स की हाइट्स जो होती हैं वो सेंटीमीटर में अगर हम ले तो 156, 160, 165, 170 ऐसी हाइट्स होती है, तो उसको आप ग्रुप इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो उसका आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फिर थर्ड वन है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनी के द्वारा नंबर ऑफ कैसेट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो 5 कंपनी से, तो अलग अलग कंपनी की, इस कंपनी ने कितनी की, इस कंपनी ने कितनी की, आप इसका बार ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। हिस्टोग्राम के लिए यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे 5 अलग अलग कंपनी है तो कंपनियों का नाम ही दे सकते हो आप, उसका ग्रुप्ड डेटा नहीं बन सकता। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम, हर एक ट्रेन में कितने पैसेंजर्स जाते हैं वो आपको 7 AM से 7 PM तक का स्टेशन का डेटा वो आप दे सकते हो। उसमें आप 1-1 आवर के क्लास इंटरवल बना सकते हो, 7 to 8, 8 to 9, 7 to 8 में कितने पैसेंजर आए, 8 to 9 में कितने पैसेंजर आए, 9 to 10 में, या तो आप 2-2 घंटे के इंटरवल्स भी बना सकते हो अगर ज्यादा हो जाता है तो, बट 12 होंगे, 7 AM to 7 PM है तो 12 होंगे, 12 ज्यादा नहीं होते, ठीक है, फिर भी आप 2-2 घंटे के बनाओ तो भी चलता है, लेकिन हमें यहाँ पे बनाना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये करना है इसको आप हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हो या नहीं। तो हमने डिस्कशन की उसके ऊपर से ये पता चला कि हम बी एन डी उसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ए एन सी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बार ग्राफ आप ड्रॉ कर पाएंगे, उसमें ग्रुप उसमें क्लास इंटरवल्स नहीं बन पाएंगे, क्लियर। तो अब उसके बाद ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी है। मैं जा रहा हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्वेश्चन क्या है मैं रीड करता हूं, आप अपने सामने टेक्स्ट बुक रखना। द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मेन को कैपिटल एम से। शॉपर्स मतलब शॉप पे आने वाले, हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर पे कौन आता है, आर मार्क्ड एज, उनको मार्क्ड किया जाता है
मैन आता है तो उसका एम लिखा जाता है वहां पे, एक कोई भी एक रजिस्टर करने वाला ऐसा हो सकता है। मैन आता है तो उसके लिए कैपिटल एम, वुमेन के लिए कैपिटल डब्ल्यू, बॉय के लिए कैपिटल बी और गर्ल के लिए कैपिटल जी। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। आपको नीचे लिस्ट गिवन है, ये उन शॉपर्स की है जो पहले एक घंटे में शॉप पे आए हैं, विजिट किया। डब्ल्यू 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 जी बी डब्ल्यू डब्ल्यू एम जी जी, ऐसा बहुत लेंथी डेटा है, ठीक है। मैं पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप देख पाओगे। अब नीचे आपको करना क्या है वो कहा है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेट इट। पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर उसके बाद आपको उसका बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। पहले मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करूंगा, यहां पे सिर्फ इतना ही लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये है ना, है एकदम इजी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन में अगर गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल बनाने के लिए काइंड ऑफ शॉपर्स आपको गिवन है, काइंड ऑफ शॉपर्स, शॉपर्स का टाइप मैन है, वुमेन है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लूंगा टेलीमार्क्स, क्या लूंगा टेलीमार्क्स, शायद आप ये भी कर चुके होंगे आगे, अगर नहीं किया तो भी ये इजी आ जाएगा। और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब इसका टोटल कितने आते हैं वो। तो चलिए यहाँ पे एक अच्छा वाला टेबल बना देता हूं मैं आपको, इसमें ड्राइंग बहुत सारा आएगा, और आपको तो पता ही है मैं पहले से ड्राइंग में बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लूंगा मेन का या वुमेन का पहले ले लेते हैं, चलिए वुमेन बेटर रहेगा। वुमेन उसे नोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, फिर उसके बाद मैं लेता हूं मेन का, एम, फिर उसके बाद मैं लेता हूं गर्ल का, विच इज नोटेड बाय जी, एंड लास्ट में मैं लेता हूं बॉय का, विच इज नोटेड बाय बी। अब नीचे लास्ट में मुझे टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल आपको ऐसे ही बस टेबल बनाना है। अब टेलीमार्क्स, अब आपको ऑब्जर्वेशंस देखते जाने हैं और यहां पे टेलीमार्क्स बनाने हैं। देखिए पहले तीन ऑब्जर्वेशन डब्ल्यू है, तो तीनों के डेटा वुमेन में आएंगे डब्ल्यू में, ये वन टू थ्री, आपको वर्टिकल ऐसे लाइंस करनी है, सिर्फ लाइंस, ठीक है, इसे टेलीमार्क्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलीमार्क्स। फिर उसके बाद तीन डब्ल्यू के बाद एक जी है, एक बी है, जी मतलब गर्ल, गर्ल में एक आएगा, बॉय में एक आएगा, फिर वापस डब्ल्यू में दो है, तो डब्ल्यू में दो वापस। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ वन, हर एक में ऐसा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, चार हो गए, उसके बाद फिफ्थ जो है वो आपको क्रॉस करना है, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, उन चारों के ऊपर, ये फोर और ये हो गया ये फिफ्थ, क्लियर। सब में ऐसा करना है, जहां पे फिफ्थ हो वैसे वापस सिक्स सेवन एट नाइन, फिर टेंथ वन वापस, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वापस फिफ्टीन, ताकि लास्ट में कैलकुलेशन इजीली हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद दो बार W के बाद आता है मेन, मेन में एक है, फिर गर्ल्स में दो है, गर्ल्स में दो, ये सेकंड एंड थर्ड हो गया। फिर उसके बाद आता है मेन में दो है, तो मेन में वापस मैं दो ले लेता हूँ, ठीक है। फिर वापस आगे वुमेन चार है, तो यहाँ पे चार टेलीमार्क्स करूंगा, वन टू थ्री फोर। ये करते वक्त खास ध्यान रखना है, इसमें कुछ रह ना जाए या कुछ मिस्टेक ना हो जाए। फिर उसके बाद गर्ल है एक, एक बॉय है,
तो एक गर्ल ये इधर आएगी, ये एक इधर बॉय आएगा, फिर उसके बाद मैन, फिर ये मैन, फिर उसके बाद है वुमेन, वुमेन में चार हो गए, ये फिफ्थ वन में क्रॉस करूंगा, ठीक है, फिर बॉय, अब थोड़ी सी स्पीड में ले रहा हूँ बॉय, फिर आप फटाफट देखते जाना मैं बोल रहा हूँ वो सही है ना, गर्ल में दो है तो ये फिफ्थ वन ऐसे आएगा क्रॉस और सिक्स्थ वन यहाँ पे, ठीक है गर्ल, फिर वापस एक मैन है, मैन में फिफ्थ वन आ गया तो ये क्रॉस करेंगे हम, छोटे बड़े होंगे वो चलेगा, फिर उसके बाद वुमेन वापस दो है, दो वुमेन वन टू, फिर टू मैन है तो यहाँ पे मैन में दो और करेंगे, फिर वापस वुमेन में तीन है तो वुमेन में तीन थ्री फोर एंड फिफ्थ तो ऐसे कर लेंगे क्रॉस, ठीक है, फिर उसके बाद मैन वापस एक मैन है एक वुमेन है, एक मैन यहाँ पे वुमेन का वापस यहाँ पे, फिर उसके बाद बॉय, ये बॉय, फिर वापस वुमेन, फिर गर्ल, फिर मैन, फिर वापस थ्री वुमेन्स, थ्री वुमेन्स तो यहाँ पे थ्री वुमेन यहाँ पे लूंगा थ्री फोर एंड ये फिफ्थ वन, ठीक है, फिर उसके बाद वापस गर्ल है, गर्ल यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद वापस वुमेन, ये वुमेन में एक और, फिर दो मैन तो यहाँ पे मैन में चार हो गए, ये फिफ्थ वन और एक और ये दो हो गए, फिर वापस टू वुमेन, ये सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फिर मैन, वापस मैन है, फिर वापस एक वुमेन है, क्लियर, फिर गर्ल है, गर्ल में जाता हूँ मैं, ये गर्ल है, फोर्थ वन हो गया, फिर वुमेन, वुमेन में वापस फिफ्थ वन आ गया, ये फाइव, ठीक है, फिर मैन है तो यहाँ पे मैन में, फिर वापस गर्ल है तो ये गर्ल में, फिर वुमेन यहाँ पर, फिर दो बार मैन है, दो बार मैन, ये फोर एंड फिफ्थ, ठीक है, फिर बॉय है, बॉय में ये फिफ्थ वन हो जाएगा, फिर बॉय के बाद है दो बार गर्ल, यहाँ पे दो बार गर्ल और एक बार वुमेन है तो वो एक बार वुमेन, देखिए टोटल वुमेन कितनी आई वो उसमें काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट है तो यहाँ पे एक और आएगा, हो गया, तो अब देखिए टोटल कर लेते हैं वुमेन कितनी है, तो ये देखिए फाइव प्लस टेन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट वुमेन्स वुमेन, फिर मैन कितने हैं फिफ्टीन, फिर गर्ल कितनी है ट्वेल्व, फिर बॉय कितने हैं फाइव, अभी टोटल मैं करता हूँ इन सब का तो एट प्लस फाइव थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी कैरी इज टू टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स, मतलब टोटल सिक्सटी, टोटल सिक्सटी लोगों ने वहाँ पे विजिट किया है डिपार्टमेंटल स्टोर का, ये हो गया। अब इसका हमें बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इसका बार ग्राफ होगा हिस्टोग्राम नहीं होगा, हिस्टोग्राम यहाँ पे ग्रुप इंटरवल्स होते हैं तो होता है, तो बार ग्राफ में और कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, दोनों का सेंटर ओरिजिन ओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे काइंड ऑफ शॉपर्स लेना है, काइंड ऑफ शॉपर्स ऑन एक्स एक्सिस, और फिर जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो वाई एक्सिस पे लेने हैं, टू आपको वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टू यूनिट लेना है, आपको ग्राफ पेपर में करना है, आपके पास ग्राफ बुक भी है तो बुक में ये क्वेश्चन होगा उसमें ड्रॉ करना है आपको, टू फोर फिर उसके बाद आएगा सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 तक आपका जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक दो समझा देता हूँ, फिर आपको ग्राफ भी दिखा दूंगा कैसा होगा। आप पहले किसी का भी ले सकते हो, पहले वुमेन हमने ड्रॉ किया तो पहले वुमेन लीजिए। देखिए आपके ग्राफ में ये जो डार्क लाइन्स होंगी ना फर्स्ट सेंटीमीटर पे वहां पे, और ये दूसरी लाइन, दूसरी डार्क लाइन, इन दोनों के बीच में डब्ल्यू लिख दीजिए, मतलब वुमेन। अब वुमेन कितनी है, 28, तो उसका ये जो बार है ना वो आपको हाइट में 28 तक लेके जाना होगा, वाई पे 28 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने यहाँ पे स्पेस कम लिए इसलिए मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपका 28 वाली लाइन तक आना चाहिए। ये जो लाइन है ना ये आपकी यहाँ पे 28 पे आनी चाहिए, क्लियर। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर का ड्रॉप ले लो, स्पेस ले लो, फिर उसके बाद वापस जो 1 सेंटीमीटर होगा वो मेन का होगा। मेन कितने हैं, 15, तो 14 एंड 16 के बीच में आएगा। 14 एंड 16 के बीच में जो लाइन है, ये सब कुछ आप लोअर स्टैंडर्ड में सीख चुके हो ग्राफ ड्राइंग, तो ये हो गया 15। ये आपकी लाइन जो है वो 15 पे यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। बीच में 15 लिखा हुआ नहीं होगा लेकिन वैल्यू 15 होती है वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बॉयज 5 है, तो बॉयज वापस 1 सेंटीमीटर छोड़ के ये जो 1 सेंटीमीटर है उस पर बॉय लिख लो, और बॉयज कितने हैं तो 5, तो यहाँ पे 5 तक आना चाहिए इसका बार। बीच में आप कुछ डिजाइन कर दोगे यहाँ पे तो चलेगा, अगर नहीं करते हो तो भी चलेगा, कर दो तो बेटर है ताकि अच्छे से दिखेगा आपका ग्राफ। एंड लास्ट में गर्ल का ड्रॉ करना है, गर्ल कितनी गई है, 12, ठीक है, क्लियर है। तो ये लिख लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए, और मैं अभी आपको लास्ट में वीडियो जब खत्म होगा तब ग्राफ का फोटो दिखा देता हूँ कैसा ग्राफ होगा आपका। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। गुड बाय, जय हिंद। ये होगा आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ जो है हमने अभी जो लिया वुमेन मैन बॉय एंड गर्ल का, ये उसका बार ग्राफ है, ठीक से देख लीजिए एंड ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना। गुड बाय।